उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र सिंह तोमर आज दोपहर महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बैठक कर सरकार के 100 दिन के बेहतर कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए उनका गुणगान किया। तो वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सरकार में रहते कोई विकास कार्य नहीं किया और अब जब हमारी सरकार कार्य कर रही है तो उस पर कटाक्ष किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के 18 कैबिनेट मंत्रियों ने सरकार की बेहतर कार्यकाल को उन तक पहुंचाने का कार्य किया है। प्रदेश के 18 मंडलों में जाकर जनता का फीडबैक लेने का कार्य किया गया है, साथ ही गांव, नगर, शहर में जाकर गुंडा माफियाओं से आम जनमानस को राहत दी गई है। ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार सरकार नई ऊंचाइयों को छू रही है और हर क्षेत्र में कार्य हो रहा है। यही वजह है कि हमारी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन ने दोबारा अपना आशीर्वाद देकर प्रदेश की सत्ता में बागडोर सौंपी है। मैं सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन होने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के निर्देशन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किए, आज उन्हीं की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों के 10 सेक्टर बनाकर अलग अलग सब लोगों को कार्य आवंटित किए कि 100 दिन का ये लक्ष्य, 100 दिन, 6 महीना, 2 साल, 5 साल, इस तरह से लक्ष्य सभी को दिया गया है। और 18 मंडलों में 18 कैबिनेट मंत्रियों के साथ समूह बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार जनता के द्वार, इस संकल्प के साथ सभी हम लोग जिलों में, गाँव में, कस्बों में गए हैं और वहाँ पर अपने स्वास्थ्य केंद्रों, चाहे शिक्षा के केंद्र हो, चाहे हमारे पंचायत घर हो, उन सभी का निरीक्षण करके हम लोगों ने जनता का जो फीडबैक है वो लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को देने के बाद मुझे खुशी है कि 100 दिन का जो लक्ष्य था उसे पूरा करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पिछले 5 साल में काम किया है उसी का आशीर्वाद दोबारा उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ने हम लोगों को दिया। आज चाहे एक्सप्रेस वे हों, चाहे हम बिजली व्यवस्था की बात करें, चाहे हम राशन से लेकर, मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली और होली जो उज्ज्वला योजना के हमारे लाभार्थी थे उन लोगों को गैस सिलेंडर निःशुल्क देने का काम भी उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक माहौल बना है, आज उत्तर प्रदेश में व्यवसाय करने के लिए हमारा उद्योग बंधु अपनी नई इंडस्ट्री शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित है। आज प्रदेश ही नहीं, देश और विदेश से भी लोग अपनी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश के अंदर लगाना चाहते हैं और ये विश्वास माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर है। जिस तरह की कानून व्यवस्था, सुरक्षा और सुशासन उत्तर प्रदेश में मिला है उसी के कारण आज इस तरह का माहौल बन रहा है। सर, विपक्ष लगातार, जैसे चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो चाहे पूर्वांचल हो, इन सब पे निशाना साधता है कि मुख्यमंत्री ने बहुत जल्दबाजी में कर दिया अब बुंदेलखंड एक्सप्रेस का, तो किस नज़रिए देखते हैं, क्यों आखिर? देखिए, उन्होंने तो किया नहीं, उन्होंने तो कुछ किया नहीं, हम कर रहे हैं तो हम जल्दबाजी में कर रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि जितने वो लोग बजट बनाते थे उससे आधे बजट में आज उत्तर प्रदेश सरकार वो काम कर रही है। चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, उसके बजट में जो समाजवादी पार्टी का बजट था और उत्तर प्रदेश सरकार ने अब जो बनाया है, दोनों में अंतर है। मैं कह सकता हूं कि हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़े। ऊर्जा के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कि इतनी भीषण गर्मी होने के बाद भी उत्तर प्रदेश के इतिहास में 11 जुलाई को हम लोगों ने आज तक की सर्वाधिक बिजली आपूर्ति की है, लगभग 26,500 मेगावाट। इसके अलावा हम लोग धीरे धीरे सोलर एनर्जी पर भी, विंड एनर्जी और बाकी जो ऊर्जा के माध्यम हो सकते हैं हम सभी पर काम कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में सर और नगरीय इलाकों में किस तरह की सुविधा सरकार देने वाली है आने वाले समय? मैंने कहा सरकार 24 घंटे सभी को बिजली निर्बाध मिले, ये उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आशीर्वाद से संभव है। ठीक है।